स्वागत है आप सभी का एमबी न्यूज़ 27 में। कल फारबिसगंज के भाग कोहलिया पंचायत में हुई सरकारी योजना में अनियमितता की जांच की मांग को लेकर रविवार को युवा शक्ति जन अधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष नन्हे सम्राट की अध्यक्षता में आमरण अनशन कर रहे कार्यकर्ताओं को बीडीओ के निर्देश पर पंचायत सचिव विनोद गुप्ता एवं बीसीओ मनोज कुमार ने पहुंचकर वार्ता करते हुए अनशन समाप्त किया। बीसीओ व पंचायत सचिव की आगामी 28 फरवरी तक पंचायत में हुई सरकारी योजनाओं की जाँच का आश्वासन देने के बाद कार्यकर्ता अनशन समाप्त करने को तैयार हुए। मौके पर मौजूद युवा शक्ति जिलाध्यक्ष नन्हे सम्राट ने कहा कि मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना अंतर्गत फारबिसगंज विधानसभा क्षेत्र के सभी पंचायतों में नाला का कार्य पूर्णतः बाधित है, जबकि सभी वार्ड सदस्यों को नाला बनाने की राशि आवंटित कर दी गई है। खासकर भाग कोहिलिया पंचायत में तो नाम मात्र भी काम नहीं हुआ, नाला अभी तक नहीं बना हुआ है। वार्ड सदस्यों से पूछने पर चेक काटकर मुखिया को देने की बात कही जा रही है। उन्होंने कहा, पंचायत के सरकारी योजनाओं में भारी अनियमितता है। पूर्व में उनके द्वारा वीडियो को ज्ञापन सौंपते हुए अनियमितता की जांच की मांग की गई। आगामी 28 फरवरी तक जांच का आश्वासन मिला है। जांच नहीं होने पर चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। इस मौके पर अनशनकारियों में प्रखंड अध्यक्ष मुकेश यादव, प्रखंड उपाध्यक्ष मोहम्मद जफर, टिंकू मंडल, मोहम्मद हारून, राजन, मोहम्मद गौरी सहित अन्य मौजूद थे। और आपका क्या परेशानियां, किस उद्देश्य से बैठे हुए? पंचायतों में जो घोटालेबाजी हो रही है मुखिया और वार्ड सदस्य के द्वारा, उसी के विरोध में बैठा हूँ। इसके उपलक्ष्य में हमने 21/2021 को खारजन प्रखंड विकास पदाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा और उनको अवगत कराया कि राशि आवंटन होने के बावजूद पंचायतों में नाला का काम अब तक बाधित है, काम अभी तक नहीं हुआ। 2 महीने बाद चुनाव है तो अब ये नाला बनाएंगे कब, क्योंकि बीच में तो आचार संहिता लग जाएगा। ये राशि रख करके ये लोग वार्ड सदस्य और मुखिया दोनों मिली भगत से घोटालेबाजी कर करके सारा माल उड़ाने के मूड में है, और ये पैसा जनता का है, हम इसको किसी को उड़ाने देंगे नहीं। उसका विरोध करते रहेंगे। उसके लिए हमने प्रखंड विकास पदाधिकारी को अल्टीमेट दिया था कि अगर 2 दिनों के अंदर जांच नहीं हुई तो मैं 24/1/2021 को भाग कोहलिया पंचायत भवन का घेराव करूंगा और आमरण अनशन करूंगा अपने कार्यकर्ताओं और अधिकारियों के साथ, जो कि मैं कर रहा हूं। आज 10:30 बजे मैं अनशन पर बैठा हूं अपने लोगों के साथ। और आपका क्या मांग है? हमारा मांग है कि सभी फारबिसगंज के जितने भी पंचायत, 32 पंचायत में जितने भी योजना है, सभी योजनाओं का पूर्ण रूपेण जाँच होना चाहिए। खासकर भाग कोहलिया पंचायत में तो बस से बदतर स्थिति है, यहाँ भी सभी योजनाओं का जांच हो और खासकर अभी वर्तमान में नाले की राशि की जांच हो। नाला का राशि आवंटन होने के बावजूद हमने यहाँ कार्यपालक सहायक से बात की, जो इस समुदाय भवन में रहती हैं, अनुप्रिया नाम है उनका, मैंने उनसे बात की। उन्होंने कहा कि राशि आवंटन कर दी गई है, उन्होंने सभी वार्ड सदस्य को राशि दे दिया है। हमने एक वार्ड सदस्य से भी बात की, वार्ड सदस्य कहना है कि हमने चेक काट के मुखिया को दे दिया है। सब अपना एक दूसरे के ऊपर पल्ला झाड़ना चाहते हैं, सब अपनी अपनी जिम्मेवारी से मुंह मोड़ना चाहते हैं। ये लोग पैसा लेकर के ये पैसा को उड़ाना चाह रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपने जो ये कहा कि आपको वार्ड सदस्य जी बोले कि चेक काट करके मैंने मुखिया को दे दिया, ठीक है, तो चेक काट करके मुखिया को देने का वार्ड सदस्य थोड़ी देगा। ये तो मुखिया और पंचायत, ये पंचायत के जो सचिव होते हैं वो दोनों का सिग्नेचर होता है। वही तो मैं बता रहा हूँ कि सब अपनी अपनी जिम्मेवारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। कोई मुखिया का नाम कर रहा है तो कोई वार्ड सदस्य का नाम कर रहा है, और ये चीज बर्दाश्त योग्य नहीं है। ये गरीब लोगों का पैसा है, आम आवाम का पैसा है, जनता का पैसा है। जनता टैक्स भरती है तो आशा रखती है कि नहीं, सरकार हमारा बिजली, हमको बिजली देगी, पानी देगी और नाला देगी और अच्छा मकान देगी। जब उसको ये सब सुविधा मिलेगा ही नहीं, सारे जनप्रतिनिधि लूट कर खा जाएंगे, तो ऐसे जनप्रतिनिधि रह कर ही क्या करेंगे। इसलिए प्रशासन और ब्लॉक के जितने भी अधिकारी हैं उनसे मैं गुजारिश किया हूँ और उनको ज्ञापन सौंप करके ये अवगत कराया हूँ कि जल्द से जल्द इस विषय की जांच हो और दोषियों पर अविलंब कार्रवाई हो। जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनको जेल के अंदर भेजा जाए और सरकार का जो पैसा लेकर के ये लोग उड़ाने के मूड में थे, हवा हवाई के मूड में है, वो राशि वापस लिया जाए। इसमें कितनी अनियमितता बरती गई है? अनियमितता इसमें जिंदा मुर्दा सभी के नाम से इंद्रावास इशू होता है। जिसको मिलना चाहिए उसको मिलता नहीं है, जिसका पक्के का मकान है उसको पक्का ही पक्का हो रहा है।
और जिसके पास कुछ नहीं है उसको मिलता ही नहीं। यहाँ 20,000 रुपया मुखिया पीसी खाता है एक एक आवास योजना पर। उनको पीसी मिलेगा जितना, जिसका पीसी मिलेगा उसका योजना पास होगा, पीसी नहीं मिलेगा तो योजना पास नहीं होगा। यहाँ के सारे जनप्रतिनिधि भ्रष्ट हैं और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं।